लड़ झगड़ के पहले तो मेरे पास आ गई थी, फिर उनकी सुलह हो गई, फिर उसको मैं उनके घर छोड़ने चली गई। छोड़ के आई तो फिर उन्होंने 4 दिन बाद ना उसको गायब कर दिया। मतलब 2022 को चौथे महीने की 22 तारीख थी मैं जब उसको छोड़ के आई थी, तो 25 को उन्होंने उसको गायब कर दिया। फिर एक 1.5 महीना मैं जाती रही, चक्कर भी लगाती रही, पूछती रही वो कहाँ है कहाँ नहीं, उसका पता बताएं, उसके मोबाइल का डब्बा वगैरह दें, ईमी स्कैन करवाते हैं, उसका आईडी कार्ड दो, लेकिन मेरे बहनोई ने मुझे कोई चीज़ भी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम, इंस्टा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो बहन आप मेरे साथ देख रहे हैं ये पाकपतन शरीफ से मेरे पास आई हैं। इनकी बहन जो है वो पिछले 1.5 साल से लापता है, पसंद की शादी की, घर से भाग गई, अपने घर की इज्जत पामाल की। जैसा कि मैं पहले कहती हूँ कि बच्चियों को सोचना चाहिए, और देखिए ये फिर पाकपतन से इनको यहाँ पर आना पड़ा सिर्फ इसलिए कि ये 1.5 साल से अपनी बहन को ढूंढ रही थी, इनका कुछ नहीं पता चल रहा था। उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे मीडिया पे आना चाहिए, और जब मीडिया का इनका इन्होंने सहारा लेना चाहा तो मीडिया वालों ने भी इनसे पैसों की डिमांड की। इनसे पूछते हैं कि क्या मामला तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। अच्छा किरण, ये बताइए कि आपकी बहन 1.5 साल पहले अपनी पसंद की शादी करके चली गई। जी बिल्कुल। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने उसको हमने लड़ झगड़ के पहले तो मेरे पास आ गई थी, फिर उनकी सुलह हो गई, फिर उसको मैं उनके घर छोड़ने चली गई। छोड़ के आई तो फिर उन्होंने 4 दिन बाद ना उसको गायब कर दिया। मतलब 2022 को चौथे महीने की 22 तारीख थी मैं जब उसको छोड़ के आई थी, तो 25 को उन्होंने उसको गायब कर दिया। फिर एक 1.5 महीना मैं जाती रही, चक्कर भी लगाती रही, पूछती रही वो कहाँ है कहाँ नहीं, उसका पता बताएं, उसके मोबाइल का डब्बा वगैरह दें, ईमी स्कैन करवाते हैं, उसका आईडी कार्ड दो, लेकिन मेरे बहनोई ने मुझे कोई चीज़ भी नहीं दी। बहनोई यानी कि आपकी बहन का जो शौहर है जो भगा के लेके गया? जी बिल्कुल वो। तो फिर उसके बाद मैं थाने में गई, वहाँ पे मैंने उस पर FIR दी। FIR के बाद उनके जो मुजरम थे, मतलब जिनसे मेरी बहन का मोबाइल बरामद हुआ, वो उस बंदे का, मेरे बहनोई का मामू था मसूद अख्तर, चूनिया का रहने वाला है, उसके पास सिस्टर का मोबाइल भी बरामद हुआ, सिम भी बरामद हुई। पुलिस वालों को मैंने सारे प्रूफ दिए, CDR, लोकेशन सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसकी जमानतें भी खारिज हैं अदालत की तरफ से, दोनों मुजरम की, एहसन ज़िया की भी, मेरे मतलब जो बहन का हस्बैंड है उसकी भी, और उसके मामू की भी, दोनों की जमानतें खारिज हैं, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। यानी कि जमानतें खारिज होने के बावजूद मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं पकड़ा। और हम जाते हैं, आए रोज चक्कर लगाते हैं, आए रोज चक्कर लगाते हैं, RPO ऑफिस, DPO ऑफिस, हर जगह। ये हफ्ते वाले दिन तो मैं IG पंजाब की तरफ भी आई हुई थी, बट मुझे उन्होंने घुसने नहीं दिया। अच्छा जी। IG पंजाब साहब ने आपको घुसने नहीं दिया? जो बाहर मतलब जो बैठे होते हैं उन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया हमें। आपने उनको अपना मैटर बताया था कि मैं 1.5 साल से मेरी बहन लापता है? बिल्कुल, मेरे पास FIR की कॉपी थी, सब कुछ था, उसकी पिक्चरें थी, हर प्रूफ था, उसके बावजूद उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। अच्छा। साहब मीटिंग पे हैं, ये है वो है। तो फिर मैं कितने चक्कर लगाए आपने IG साहब के पास? IG पंजाब के पास मैं एक ही दफ़ा गई हूँ, मतलब हफ्ते वाले दिन फर्स्ट टाइम। IG साहब, आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है कि एक आप ही का अहलकार, आप ही का मातहत आपको सड़क पे गालियां देता है, आपको बुरा भला कहता है, तो आप उसको अपने पास बुला के उसकी सफाइयां देते हैं। तो इस तरह की बहनें जो हैं वो आपके दफ्तरों में आके जलील होती हैं, ख्वार होती हैं, अपनी फरियाद लेके आती हैं, इनकी बात आप सुनने के लिए रवादार नहीं होते, लेकिन जब आप लोगों पर अपनी आती है, बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात IG साहब आपको कह रही हूँ कि ये भी बच्चियाँ हैं, आपके मुल्क की बच्चियाँ हैं, आपको जिस सीट पे बिठाया है वो इंसाफ के लिए बिठाया है, इन ऐसी बच्चियों की मदद के लिए बिठाया है, लेकिन देखिए आपके ऑफिस से धक्के दे के निकाल दिया जाता है। जी फिर मैं तफ्तीशी है वहाँ का, रेनाले का जो हमारे केस की तफ्तीश कर रहा है हफीज़ुल्लाह साहब, उसने मुझे इतनी बार बुरा भला बोला, इतनी गलीज गालियाँ दी, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। वजह यही कि मुझे कहता है तुम्हारी बहन तो तुम्हारे पास है, तुम पैसे खाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। हमारे घर पे उन्होंने कुछ माफिया भी भेजे, कुछ मेरे बड़े भाई के आगे उन्होंने पैसे भी रखे कि आप 7 लाख ले लो, 8 लाख ले लो, आप ये केस को ख़त्म कर दो। ये किसने ऑफर की 7-8 लाख रुपए की? ये वहाँ का 17 SP का गाँव है उधर पाकपतन के साथ ना, वहाँ का कोई है, गुज्जर है,
गुज्जर का नाम शायद पता, गफार गुज्जर है, उसने कहा था मेरे भाई को कि आप इतने पैसे ले लो। फिर वहाँ का कोई फरूक शायर नाले का मशहूर है, वो भी बंदा मुझे बड़े फ़ोन करता था कि मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, मेरा फलां एजी है, मेरा फलां फलां है, आप इतने पैसे ले लो, वरना ये ना हो कि आप लोग भी इस केस की पैरवी करते करते कहीं गलत जगह पर चले जाएँ। अच्छा, आपने एक बात बिल्कुल सीसी बतानी है, आपकी बहन ने पसंद की शादी की तो क्या वो घर से भाग के गई थी, यानी कि आपकी बिना इजाज़त के बगैर बताए आप लोगों को गई थी? जी, हमारी इजाज़त के बगैर ही वो गई थी। एक्चुअली उसकी शादी हमने पहले की थी पाकपतन में, एक महीना उस बंदे के साथ वो रही थी, लव इसके साथ करती थी जिसके साथ वो गई है अपनी मर्जी से। हमने शादी पाकपतन में की थी, वहाँ से उसने डिवोर्स, इसी बंदे ने उसकी डिवोर्स करवा के उसके साथ इसने शादी की थी रेनाले में। अच्छा, ये जिससे भाग के शादी की है, आप बता रही हैं कि नाराज़ होके वो आपके पास आई थी, मतलब इनकी आपस में कोई लड़ाई हुई थी जब आप छोड़ के आई हैं, तो ये कितने दिन बाद इनकी लड़ाई हो गई थी और ये आपके पास आपकी बहन आई थी? ये 1.5 साल में काफ़ी दफ़ा लड़ चुके थे और मैक्सिमम ये 1.5 साल के बाद ही इनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी। सिस्टर को उन्होंने मारा भी था, इसका देवर था एक उसामा और उसकी बीवी थी आयशा, उन दोनों ने काफ़ी इस पे जुल्म किए थे, इसके फेस पे पूरे निशान थे जब मैं इसको लेके आई थी वहाँ पे। फिर इसकी ये कितनी देर पहले की बात है? ये इसके गुम होने से मतलब 2 हफ्ते पहले की बात है। तो फिर इन्होंने फ़ोन किया कि ईद आ रही है, तुम घर वापस आ जाओ, जो हमसे भूल हुई हमें माफ़ कर दो, दिन त्यौहार है तो आप घर वापस आ जाओ। फिर उसको मैं खुद अपने हाथों से छोड़ के आई हूँ 22 तारीख को, 25 को इन्होंने गायब कर दिया। 25 कौन से साल की, कौन से महीने की? 2022 की, चौथा महीना था, उसकी 25 तारीख थी। अच्छा जी, तो अभी कितना अरसा हो गया कि वो उसी के पास है, यानी कि शादी को कितना अरसा हो गया? 1.5 साल से तो आप बता रही हैं कि वो मिली नहीं आपको। 1.5 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और 1.5 साल ही उसको गुम हुए हुए, मैक्सिमम उसको टोटल 3 साल हो गए। अच्छा, यानी कि 3 साल हो गए, 1.5 साल आपको पता था कि बच्ची कहाँ रह रही है, उसके बाद का जो 1.5 साल का अरसा था वो फिर बिल्कुल मंजे से वो बच्ची गायब होगी आपकी बहन, आपको नहीं पता कि वो किधर है किधर नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 1.5 साल से उसका कोई पता नहीं है। हमने अपने रिलेटिव हर जगह हर कोना हमने छाना है, उसका नादरा से हमने मोबाइल नंबर जो है वो चेक करवाया, कोई उसकी सिम नहीं उसके नाम पे निकली हुई। अच्छा, आपको खदशा क्या है कि जो आपकी बहन मिल नहीं रही है, क्या खदशात आपके दिल में आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं? मेरे दिल दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि जो उसका मोबाइल और सिम उनके पास है, उसकी सिम कोई और न्यू निकली भी नहीं है, यहाँ से मुझे यही महसूस होता है कि वो दुनिया में नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी बहन को उसका शौहर या उसके ससुराल वाले मार चुके हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने मार दिया और हमें सुनने में भी यही आया है कि उन्होंने इसको ना मारा हुआ है, और किसी ने हमें रेनाले से ही बताया था कि इनके साथ कोई माफिया है बहुत बड़ा, मतलब उसके थ्रू इन्होंने काम करवाया। माफिया कौन सा? माफिया का नाम मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। अच्छा नाज़रीन, ये जो बहन हमारे साथ मौजूद हैं, इनके हस्बैंड भी हमारे साथ बैठे हैं, यानी कि ये जो बच्ची है उसके बहनोई, इनसे भी पूछते हैं, भी कुछ बात करने लगे थे, किसी वीडियो का जिक्र करने लगे थे। जी बताइए। हमारे पास वीडियो हैं जिन मुलजमों की जमानतें खारिज हैं, SHO ASP जितने भी हैं, हम खड़े होते हैं सुनवाई में, वो उनको चेयर लगा के देते हैं, बोतलें लगा के देते हैं, जमानतें भी खारिज हैं उनकी अदालत की तरफ से 7 माह से। ये चेयर और बोतलें कौन देता है उनको? तफ्तीशी है, SHO है उनकी। आपके केस का तफ्तीशी जो मुलजमान की खिदमत कर रहा होता है? मुलजमान की खिदमत कर रहा होता है, उनको चेयरें लगा के देते हैं आपके सामने? हमारे सामने, हमारे पास वीडियोज है, उनको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। जब वो आते हैं गुंडे लेके आते हैं हमें ताड़ करने के लिए, थाने में उनके सामने हमें कहा जाता है कि जो उसके साथ हुआ आप लोगों के साथ वही होगा, आप पीछे हट जाएं, 5 लाख ले लें, 7 लाख ले लें, पीछे हट जाएं। तफ्तीशी पूरा रिनाला सिटी की जो पुलिस है उनके साथ मिली हुई है। ASP साहब ने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लड़की जिंदा या मुर्दा हम बरामद करेंगे। 1 हफ्ते के बाद ASP साहब भी बदल गए अपने मौकफ़ से कि ये तफ्तीश मैं करूँगा, ऊपर से उनको बुला लेते हैं जिनकी जमानतें खारिज है कि हम उसको अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे। हमसे 20,000 रुपया भी लिया है रेड करने का, रेड नहीं की, जिनकी जमानत कैंसिल है वो खुद आके थाने बैठ गया, फिर भी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। बाद में यही जवाब दिया, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। जी नाज़रीन, पहली बात तो ये कि मुझे समझ नहीं आती है, जब कोई बहन बेटी खुद भाग के जाए या अगवा हो तो फिर उनके जो लवाहकीन होते हैं उनको भारी रकम की पेशकश क्यों की जाती है, इसके मकासद क्या होते हैं? या तो खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक उन बेटियों के सौदे करने होते हैं जिसकी वजह से उनके लवाहकीन को पैसों की इतनी भारी जो है रकम की ऑफर की जाती है, या मामला कुछ और होते हैं। बाकी
हमसे जो हो सकेगा, ये हमारी बहन है, बड़ी उम्मीद से हमारे पास आई है, हमसे जो भी हो सका हम इनके लिए करेंगे। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।